ये समझाओ ना सर इनको, साहब इसे समझाना चलो है। चलो बताओ ना गुरु जी कैसे हो गए, अरे चलो कहाँ चलो, पहले ये हाँ बताओ ना, ये ऐसे टाइम पढ़ाएंगे टाइम आप, पे ऐसे पढ़ाएंगे आप? क्या क्या नाम है आपका, हाँ आपका नाम क्या है? तन्वय। तन्वय, आप यहाँ पे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? चौथी चौथी में। और गुरु जी आपको पढ़ाते हैं कुछ? से बोल रहे थे, कुछ नहीं। बोलिए आप, पढ़ाते हैं कुछ? क्यों, ये यहाँ पे किस पोस्ट में गुरु जी? आप जाने से कुछ नहीं होगा सर, भागने से नहीं होगा कुछ, काम तो करवाना पड़ेगा बच्चों को, काम तो करवाना पड़ेगा ना सर, हमारे तो बच्चों का फ्यूचर देखिए आप। तेरा बोला, तेरा बोला तो मैं बताऊं, ये है हमारे यहाँ पे हेडमास्टर की पोस्ट पे, ये बता रहे हैं। अब बोले तेरा बोला, अब ये तेरा बोला ही पढ़ाते होंगे, अब ये तो हमारे को पता नहीं है क्या पढ़ाते होंगे, बट मैंने भी शाम को, मैं एक्चुअल में यहाँ पे नहीं होता हूँ, तो शाम को जब घर आया तो बच्चे का पूछा, शाबाश शाबाश, तो इनको कुछ भी नहीं आ रहा था। क्या पढ़ाते सर आप, पढ़ाते हैं सर आप कुछ इनको? जल्दी 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 पढ़ाते नहीं है, सिर्फ ये जल्दी जल्दी और शोर करने के लिए, और ये तो वो तो बहन चोत माँ चोत ये जानते हैं सर इसके बारे में, गलियां सिखाते हैं बच्चों को, ये है इनका, ये है हमारे बच्चों का फ्यूचर, आप इस तरह से करेंगे सर, गलियां सिखाएंगे उनको स्कूल में, इसलिए भेज रहे हैं हम बच्चों को। और सरकार बोलती है कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल के टीचरों को तो कुछ आता नहीं है, एक आध टीचर होता तो वो क्या क्या करे, सरकार के भी ऐसे हाल है कि एक ही टीचर पे 10 चीजें थोप देते। ये सर ये हेडमास्टर है स्कूल के, इनके जो है दायरे में सारा स्कूल है, कंपाउंड है इनके इसमें, लेकिन ये ऐसे हेडमास्टर है कि इनके लिए मतलब औरों की इनकी कमान की आवश्यकता पड़ती है, साइन के सिवाय कुछ नहीं आता है इन, अगर ये साइन भी बहुत ही मुश्किल से कर पाते हैं, हमारे बच्चों की सिक्योरिटी भी इनके हाथ में है ना, बिल्कुल भविष्य पूरा इनके हाथ में है, सिक्योरिटी भी बनती है ना, अगर हमारे हमने 10 बजे स्कूल में छोड़े तो जब तक इनके पास है तो, के साथ में नाला भी है, अगर कभी अकेले रह जाए सर तो ये तो बच्चे इकट्ठे नहीं कर सकते किसी को, बच्चे गिर पड़ गए तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर हम माँ बाप को लेनी पड़ेगी, जिस चीज का तो बच्चा है उसको तो करना पड़ेगा, चाहे उसको दिहाड़ी कमा के करे चाहे कुछ भी करके करे, लेकिन ये तो हमारी अपनी जिम्मेवारी है, हम अपने ही जिम्मेवारी में बच्चों का जो है भविष्य इसमें एक अंधकार में ठोक रहे हैं, इसीलिए तो ये है मतलब सरकारी स्कूल के, जल्दी जल्दी ये हेडमास्टर है यहाँ पे, तो ये सिर्फ कुर्सी पर बैठने के सिवा या आने जाने के सिवा और कुछ नहीं जानते हैं, अगर इनसे लिखने के लिए बोले तो एक साधारण 10 तक की संख्या आप इनको लिखा के देखो तो वो नहीं कर पाएंगे 10 तक की, जो कि एक आंगनबाड़ी का बच्चा भी वो कर देता है, ये हेडमास्टर सर के हाल है, ये यहाँ के हेडमास्टर देवेंद्र ठाकुर, ठीक है सर, क्या नाम बस यही जानते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ो पढ़ो। सबसे बड़ी कमजोरी तो यहाँ पे हमारे जो CST साहब है वो भी इस पे कोई एक्शन नहीं लेते, उनका भी कहना है कि आप जो चाहो कर सकते हो, हम कुछ भी नहीं कर सकते, पिछले 9 साल से हम यही चीज देखते आ रहे हैं, कई बच्चे तो यहाँ से अब स्कूल में खटनोल चले गए हैं जिनके +1 2 पे पढ़ रहे हैं, उनको भी कुछ नहीं आता है क्योंकि हमारा बेस ही नहीं बनाया गया उनके बच्चों का, इस पे डिपार्टमेंट भी कोई एक्शन नहीं लेता है, यहाँ तक कि हमने 9 सालों से पता नहीं कहाँ कहाँ पे बात कर ली है, किसी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, जिस करके हम आज मजबूर है ये चीज करने के लिए। धन्यवाद। नहीं सर स्टार्ट कर दिया तो नहीं, चलो तभी थोड़ा अपने व्यूज आप ये तो बता सकते हैं कि आप कितना काम, अगर मैं भाई अगर मेरी वजह से कुछ स्कूल बंद हो जाए तो मैं इसका जिम्मेवारी हूँ, आप इतना तो बोल सकते हैं भाई, मेरी पूरी पूरी जिम्मेदारी है, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा या तो बोल सकते हैं, अब काम तो सबका था सर, ये चीज है, चार बातें बोलनी आपने बाकी ज्यादा होनी है, ये चीज तो आप बोल सकते, मैंने क्या समस्या पता ही है आपको, नहीं नहीं आप जो आपकी प्रॉब्लम है ना वही हमारे को पता है, आप पढ़ा रहे हैं आप अच्छा करवा रहे हैं तो बिल्कुल आप पूछ सकते भी, ऐसी कोई समस्या है आपको तो उसका जवाब दे सकते हो, नहीं वही चीज वही पूछ रहे हैं ना, हमारे को ये प्रॉब्लम है कि हमारे जो है यहाँ पे आपके हेडमास्टर साहब है या हमारे है, चलो आप स्कूल हमारा बट इनका ये क्या अपना काम कर पा रहे है, वो काम जो हेडमास्टर का है वो ये प्रॉपरली कर रहे हैं क्या, ये तो आज आपने देखा जिससे भी आप फिजिकली यहाँ पे देख रहे हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भी कितने
बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बच्चों को नहीं पढ़ा रहे तो अपना एक्स्ट्रा काम क्या करना है इन्होंने, लग तो यही रहा। पर मतलब कि फिर भी हो सकता है हमारे सामने ये ना करवा रहे हो, क्या ये हमेशा ऐसे ही है ना? मैंने तो यही सुना है कि ये ऐसे ही है पिछले 9 साल से 9-10 साल से, तो ये अपना काम भी नहीं जब कर पा रहे तो बच्चों को काम, बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे है, अपना काम तो दूर की बात है, हेडमास्टर का तो बहुत बड़ा काम होगा। तो मेरे को नहीं लगता, बट आपके कहने से क्या मतलब लगता है, आपका क्या कहना है इसको? नहीं, मेरा तो क्या कहना है, आपने खुद इसको आजमा लिया है, आजमाया है, बहुत अच्छे तरीके से देखा है और आपने ऑब्जर्व किया कि भी क्या पोजीशन है। यहाँ पे जो सर हेडमास्टर है उनका क्या नाम है सर? श्री प्रेम प्रकाश। श्री प्रेम प्रकाश जी यहाँ पे सेंट्रल हेडमास्टर है, बट वो भी कोई एक्शन नहीं ले रहे है काफी टाइम से। उन्होंने ही हमें आज बुलाया था यहाँ पे कि उन्होंने आना था, मैं स्पेशल छुट्टी करके इसलिए आया था, मुझे भी अपनी नौकरी देखनी है, हमेशा तो मैं नहीं रह पाता हूँ, बट फिर भी आज स्पेशली आया था इस करके, स्पेशली छुट्टी लेके फिर भी वो नहीं आए, तो ये उनकी भी एक बहुत बड़ी लापरवाही है। कहाँ पे है ये स्कूल? ये स्कूल खटनौर पंचायत के जो है लखेच नाम की जगह है, यहाँ पर ये पंचायत खटनौल है, स्कूल जो है लखेच है, ये शाखा गढ़कहन से संबंधित है, गढ़कहन जो है सेंटर है और इससे जो है मतलब कोई 4-5 किलोमीटर दूर लखेच है, लखेच नाम का गांव है और ये स्कूल लखेच नाम से जो है यह पाठशाला चल रही है। धन्यवाद।